नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। प्रदेश भर में युवा एकता परिषद अपने द्वारा कई सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देता है और युवा एकता परिषद का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल लालजी टंडन से सौजन्य मुलाकात करके अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के क्रियान्वयन संबंधी, साथ ही साथ सामाजिक एकता को सूत्रधार बनाकर किए जाने वाली समाज सेवा के विषय में लालजी टंडन जी को अवगत कराया। आपको बता दें, इस मुलाकात के दौरान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश भर में चलाई जा रही सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न गतिविधियों के बारे में लालजी टंडन जी से मुलाकात की और साथ ही साथ लालजी टंडन जी ने उनके संगठन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। आपको बता दें कि परिषद द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों के संदर्भ में लालजी टंडन जी को अवगत कराया गया, जिसमें सामाजिक जागरूकता, युवाओं के अधिकारों की रक्षा, शहीद परिवारों का सम्मान, अनाथ बच्चों को भोज वितरण, निःशुल्क शिक्षा, गरीबों को ठंड में कपड़े वितरित करना, स्वास्थ्य शिविर, जन्मदिन पर बधाई कार्यक्रम एवं गरीब कन्याओं के विवाह कराने का विषय प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान आगामी माह होने वाले युवा मिलन समारोह में पधारने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय को संगठन की तरफ से आमंत्रण का आग्रह किया गया। वहीं प्रतिनिधिमंडल में युवा एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा सरकार, परिषद के संरक्षक पंडित सचन शर्मा सूर्या, परिषद के छात्र इकाई रीवा के जिलाध्यक्ष अमन शुक्ला आर्यन एवं छायाकार मुरारी शामिल रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ। जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।